क्या आप भी हैं डार्क सर्कल से परेशान? क्या आप भी चाहते हैं डार्क सर्कल से छुटकारा पाना? आज हम बताएंगे आपको कुछ घरेलू नुस्खे जिससे आप डार्क सर्कल से तुरंत पाएंगे छुटकारा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू पल्स मेडिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डार्क सर्कल, आजकल हर कोई डार्क सर्कल से परेशान है, चाहे वो लड़का लड़की या महिला पुरुष कोई भी हो, डार्क सर्कल हर किसी को हो रहा है। पहले हमें यही लगता था उसे डार्क सर्कल है यानी कि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल हर उम्र में डार्क सर्कल होना आम बात हो गई है। आखिर क्या होता है डार्क सर्कल और क्या है इनकी वजह, आज हम आपको बताएंगे। डार्क सर्कल यानी आंखों के नीचे काले घेरे ज़्यादा तनाव चिंता की वजह से होता है, ज़्यादा टीवी देखने की वजह से होता है, यही हमें पता था, लेकिन इसके और भी कई कारण हैं, हम आपको बताएंगे। कई लोगों में काले घेरे यानी डार्क सर्कल जेनेटिक होते हैं और उनकी कोई ठोस वजह नहीं होती। ऐसे डार्क सर्कल को पूरी तरह से ख़त्म करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन कुछ घरेलू तरीकों से डार्क सर्कल को लाइट किया जा सकता है। दूसरा वजह, कई लोगों को ज़्यादा टीवी और मोबाइल फ़ोन देखने का आदत होता है, ज़्यादा फोकस करने की वजह से भी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं। तीसरा, पूरे तरह से नींद ना ले पाना और थकान भी डार्क सर्कल होने का एक बहुत बड़ा कारण है। आमतौर पर लोगों को 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी होती है, लेकिन रोज़मर्रा की भाग दौड़ में बहुत ही कम ऐसा हो पाता है और नींद की कमी की वजह से डार्क सर्कल आम हो गया है। कई लोगों को मेकअप करने का भी बहुत शौक होता है, खास करके लड़कियों को मेकअप का बहुत शौक होता है, तो कुछ कॉस्मेटिक की वजह से स्किन पर एलर्जी हो जाती है और बाद में इसी वजह से डार्क सर्कल हो जाता है। शराब और स्मोकिंग के सेवन से भी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाता है। आखिर क्योंकि हमारे खान पान सीधा ही हमारे शरीर पर असर करता है। तो अब हम बात करेंगे कुछ घरेलू नुस्खे के बारे में जो डार्क सर्कल को ख़त्म करेगा जड़ से। जी हाँ दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे ऐसे चीज़ों से भी डार्क सर्कल ख़त्म होता है। टमाटर, टमाटर ना सिर्फ डार्क सर्कल कम करते हैं बल्कि त्वचा भी कोमल बनाते हैं। आप 1 चम्मच टमाटर का जूस लीजिए, उसमें 1 चम्मच नींबू मिलाइए और फिर इसे मिक्स करके आँखों पर लगाइए। इसे 10 मिनट तक लगा रहने दीजिए और फिर धो दीजिए। इसे दिन में कम से कम 2 बार करें और डार्क सर्कल कम होने लगेंगे। उसके बाद आलू, आलू का रस। जी हाँ दोस्तों, आलू भी डार्क सर्कल कम करने में मदद करता है। आलू की कद्दूकस कीजिए और जितना हो सके आलू का जूस निकाल लीजिए। फिर थोड़ी सी रुई लीजिए, उसे आलू के रस में पूरी तरह भिगोकर आंखों पर रख दीजिए। ध्यान रखें कि रुई उस पूरे हिस्से पर होना चाहिए जितना हिस्सा काला है। 1 हफ्ते के अंदर आपको असर दिखेगा। दूसरा, टी बैग। जी हाँ, आपने टी बैग तो देखे ही होंगे जो महीन कपड़े में के होते हैं जिनके अंदर चाय पत्ती भरी होती है। इसकी मदद से भी आप डार्क सर्कल से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए टी बैग लीजिए, अगर ग्रीन टी हो तो बेहतर है। इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए, जब ये ठंडे हो जाए तो इन्हें आँखों पर रखिए। यह प्रोसेस घर में जितना बार हो सके करिए। बादाम का तेल, बादाम में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में होता है और इसका तेल त्वचा को कोमल बनाता है। आपको बाजार में बादाम के तेल के ढेर सारे प्रोडक्ट्स बिकने को देखे होंगे। इसका इस्तेमाल बेहद आसान है। आपको थोड़ा सा बादाम का तेल लेकर डार्क सर्कल पर लगाना है। हल्के हाथों से मसाज कीजिए और फिर ऐसे छोड़ दीजिए। सुबह जब सो के उठे तो आँखों को धो ले, हफ्ते भर में इसका भी असर दिखेगा। ठंडा दूध। जी हाँ दोस्तों, ठंडा दूध को लगातार इस्तेमाल से न सिर्फ आप डार्क सर्कल से ख़त्म कर सकते हैं बल्कि अपनी आंखें भी बेहतर कर सकते हैं। आपको करना यह है कि रुई को कटोरी में रखें, ठंडे दूध में डुबोना और फिर उसे डार्क सर्कल वाली जगह पर रखना। ध्यान रहे कि डार्क सर्कल वाला पूरा एरिया ढका हो। 10 मिनट तक रुई रखें और फिर सादे पानी से आपको धो लें। संतरे का जूस, संतरे का टेस्ट किसे नहीं पसंद होता, आप भी संतरे खाते होंगे। अगर डार्क सर्कल है तो संतरे उसमें भी मदद करते रखते हैं। आपको संतरे के जूस में कुछ बूंदे ग्लिसरीन मिलानी होती है और इसे मिक्सचर को डार्क सर्कल के ऊपर लगाना होगा। इसमें ना सिर्फ डार्क सर्कल खत्म होंगे बल्कि आंखों में नेचुरल चमक भी आएंगे। तो दोस्तों, इस घरेलू नुस्खे को आप ज़रूर अपनाएं और देखें अपने डार्क सर्कल को जल्द ही ख़त्म कर सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। कुछ डाउट है तो कमेंट भी करें। थैंक यू।